मिलने आया। अभी एक फोन आया है, लाइन डिस्कनेक्ट नहीं हुई। आप टैप करके देखिए कि फोन कहां से आया। चलोगी मेरे साथ? आ गई ना पुलिस, जल्दी चलो, गई जल्दी चलो।
मैं फिर आऊंगा, तेरे लिए ढेर से खिलौने लाऊंगा। मुझे अंकल नहीं जाओ, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। तो भी जल्दी चलो, मैं इस बच्चे को छोड़कर नहीं जा सकता। जाने कैसी बेड़ी पहना थी। पागल मत बनो, मतलब तुम्हारा भी वही हाल होगा जो शहद में गिरकर शहद की मक्खी का होता है, बचना महाल हो जाता है। चलो मैं कहता हूँ, छोड़ो इसको, चलो। कहता हूं इस आफत को जहां से उठाकर लाए हो वहीं ले जाकर फेंको। चांद जैसी गुड़िया को तुम आफत कहते हो? आफत नहीं तो और क्या है। कल जब हम रोज की तरह सर हथेली पर रखकर यहां से निकलेंगे तो इस नहुसा तो कहां छोड़ जाएंगे। छोड़ क्यों जाएंगे, उसे साथ उठाकर ले चलेंगे गोद में, और फिर गोविंद के हाथ में बंदूक की जगह दूध की बोतल और रबर की चिस्नी होगी। नजीर हां, और रास्ते में इसकी खलाई के लिए चूड़ियां और पहनने के लिए चोली और घाघरा भी ले लेंगे। ये कि अब इसे डाकुओं के पेशे से आया का धंधा ज्यादा पसंद है। पेशा अपनी जगह है नजीर, बच्चा अपनी जगह। मैं पूछता हूँ किसका बच्चा, क्या ये कोई पहला बच्चा है जो तुम्हारी गोली या हमारे चाकू से यतीम हुआ? आज एकाएक तुम्हारे सीने से रहम के फव्वारे कैसे फूटने लगे? मुझे तो मालूम नहीं जो तुम बता सकते। कभी कभी भेड़िये भी इंसान के बच्चों को पालते, क्यों? कभी कभी चट्टानों पे भी हरी हरी घास उगाती, क्यों? क्यों तुम जैसा खूनी गिरजे में ईसा मसीह के बुत से खून नहीं सिर्फ लाल रंग टपकते हुए देखता तो उसकी आंखें आंसुओं से भीग जाती। अजीर, क्यों तुम्हारे जैसा डाकू रोज पश्चिम की तरफ मुंह कर पांच पांच बार सजदे में सर रगड़ता है? क्यों तू मेरे जैसा पाप जो कि दुनिया के बड़े से बड़े इंसान और हिंदुस्तान की सारी पुलिस से तो नहीं डरता, एक मंदिर में रखी हुई पत्थर की बनी हुई इतनी सी मूर्ति से कांप कांप जाता है? बोलो क्यों, बताओ ना क्यों? नहीं बता सकते ना? Thank you.
पीछे क्यों हट रहे हो? आगे बढ़ो, बढ़ो। जिस फूल को देखकर सांप भी नहीं डरता, तुम तो उस पर चाकू चलाते। तुम सांप नहीं, इंसान हो। आगे बढ़ो। हर बार वैसे ही खत्म, खत्म के हथियार वही, उंगलियों के निशान वही। सर, काम एक आदमी का, पूरी टोली शामिल है। टोली में कम से कम 3 आदमी, और पुलिस में कितने आदमी? कितने हजार। फिर भी डाकू मजे से आते हैं, सफाई से खून करते हैं और खामोशी से गायब हो जाते हैं। सर, हम अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैं कोशिश को क्या, मुझे वो खून ही चाहिए। सड़कों में चकले हुए या हवालात में बंद, सारे शहर में वावेला मचा हुआ है। लोग रातों को सोते नहीं, डर के मारे। मिनिस्टर मुझसे पूछ रहे हैं कि तुम क्या कर रहे हो, अखबार उनसे पूछ रहे हैं कि पुलिस क्या कर रही है। हम एक इनाम का ऐलान क्यों न करें इन खूनियों की गिरफ्तारी के? वेरी गुड आइडिया सर। और इन अखबारों में इश्तहार दो, शहर में पोस्टर लगवाओ, तो इन खूनियों को पकड़ेगा या पकड़ने में मदद देगा, सरकार उसे 10,000 रुपए का इनाम देगी। तू भी ठाकुर की पूजा कर रही है? चलो। मोटा अंकल छोटा अंकल पूजा नहीं करते? वो भी पूजा कर रहे हैं मुनिया। वो देखो, पत्थर को बम बना।
बहुत अंधेरी, तुमने आकर उस अंधेरी मस्जिद में चिराग जला दिया। तुझ में ईश्वर भगवान, बच्चे में है रहमान, बच्चा जीसस की शान। बच्चे में है भगवान, बच्चे में है रहमान, बच्चा जीसस की शान। गीता इसमें, बाइबल इसमें, इसमें है कुरान। गीता इसमें, बाइबल इसमें, इसमें है कुरान। बोलो बच्चा है महान, जग में बच्चा है महान। बोलो बच्चा है महान, जग में बच्चा है महान। बच्चे में है भगवान। गिरजे में जिसका नूर समाया, जिसका नूर समाया। एक नन्ही सी जान में छुप कर वो अपने घर आया, वो अपने घर आया। पापी मन को करती इसकी हर मुस्कान। बोलो बच्चा है महान, जग में बच्चा है महान। बोलो बच्चा है महान, जग में बच्चा है महान। बच्चे में है भगवान। हर का ज्ञान। बोलो बच्चा है महान, जग में बच्चा है महान। बोलो बच्चा है महान, जग में बच्चा है महान। बच्चे में है भगवान। समझे सबको अपना माने,
महान जग में बच्चा है महान बोलो बच्चा है महान जग में बच्चा है महान बोलो बच्चा है महान जग में बच्चा है महान बोलो बच्चा है महान जग में बच्चा है महान बोलो बच्चा है महान जग में बच्चा है महान। ये देखो भगवान, सरकार ने 3 डाकुओं को पकड़ने के लिए 10,000 का इनाम रखा है। ये इनाम मुझे दिला दो गणपति बाबा। 5,000 मैं रखूंगा और 5,000 का प्रसाद चढ़ाऊंगा, आधे तुम्हारे और आधे मेरे, यानी कि 50-50 इंग्लिश में। और भगवान मेरा तो नंबर भी 50-50 है। तुम नंबर का 50-50 है लेकिन तुम्हारे हृदय में स्याही ज्यादा और सफेदी कम है। मगर तुम कौन हो? हम वो है जो धरती पर बैठकर सितारों का हाल पढ़ लेते हैं। हम हाथ देखकर दिल की बात जान लेते हैं। हम बता सकते हैं कि कल क्या होगा, कल क्या होने वाला है और आज क्या हो रहा है। अबे चल चल, मैंने तेरे जैसे हाथ देखने वाले बहुत देखे। अभी तुमने कुछ देखा ही नहीं, पहले तुम अपना हाथ दिखाओ फिर हमारे हाथ देखो। हमने दलीप कुमार से कहा उसकी शादी सायरा बानो से होगी, बोलो हुई के नहीं। हमने कहा इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनेगी, बोलो बनी के नहीं। बनी बनी बनी। हमने पंजाब के एक अर्जी नवीस को कहा कि वो मिनिस्टर बन जाएगा। बन गया क्या? बिल्कुल बन गया। फिर हमने उससे कहा कि वो मिनिस्टर से वापस अर्जी नवीस बन जाएगा। ये कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। आप तो मेरा हाथ देख रहे थे। तुम्हारी रेखाएं बड़ी उल्टी सीधी हैं। तुम्हारी ग्रह के चारों तरफ राहु केतु शनि मंगल बैठे हुए हैं। इसलिए होता ये है कि कभी माल तुम्हारे आगे कभी माल तुम्हारे पीछे, दिन में 4-4 टाइम ओवरटेक करता है लेकिन माल तुमको नजर नहीं आता। उसका कारण ये है कि तुम्हारी आंखों पर पनौती का पर्दा पड़ा हुआ है, उसको हटाने का एक ही रास्ता है। महंगा है कि सस्ता है? बिल्कुल सस्ता, जो तुम्हारी जेब में है हमारे हाथ में आने दो। मेरी जेब में कुछ नहीं है। झूठ मत बोलो। हम सितारों का हाल बता सकते हैं, दिल की बात जान सकते हैं, तो तुम्हारे पैकेट में नहीं बता सकते? मेरे नोट। कौन सा नोट? जो अब तक मेरे पास था अब तुम्हारे हाथ में। हमारे हाथ में देखो क्या है। खाली। तो फिर इस हाथ में होगा। ये भी खाली। अरे पगले, आदमी दुनिया में खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। दुनिया में आना और दुनिया से जाना बहुत आसान है, मगर राशन लिए बगैर घर जाना बहुत मुश्किल है। ये नोट मेरी घरवाली ने राशन के लिए दिया था। तो तुम्हारी बीवी से कहना कि तुमको 10,000 रुपए का इनाम मिलने वाला है। तुम 10 साल का राशन एक साथ भर देना है। अरे अरे ये तो गया, लेकिन अब मैं बगैर राशन के घर कैसे जाऊंगा? लेकिन परवाह नहीं, 10,000 रुपए मिलने वाले, बीवी को मना लूंगा। मुनिया, पहले हम खाना खाएंगे, तुम मैं बोटा अंकल छोटा अंकल, फिर हम खेलेंगे अपनी गुड़िया से। खाना नहीं थे? हम लोग तो रोज यही खाते हैं। तुम्हें कुछ नहीं आता? टेबल के बाद। हाँ टेबल। अरे बाबा जल्दी जल्दी टेबल टेबल टेबल। और ये आ गई प्लेट। चमचा 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 जल्दी। छुरी काटा छुरी काटा छुरी काटा छुरी काटे। ये देख ये छुरी नहीं मैं नहीं। चलो आया मां आया मां आया मां आया मां आया मां आया मां मालूम नहीं? हाँ मालूम है मालूम है। पहले कुछ खाते नहीं? खाना पीछे पहले आया माँ। ओह ये आया माँ क्या बला है? आया माँ गाना गाएगी फिर मैं खाऊंगी। हाँ बिल्कुल ठीक, आया माँ आएगी आके गाना भी गाएगी, लेकिन उससे पहले हमारी मुनिया खाना खाएगी। ठीक ठीक। हाँ लो। नहीं पहले आया माँ फिर गाना फिर खाना। बोली मेरी, अब ये आया माँ कहाँ से आएगी? आया माँ अभी आती है, अभी आती है आया माँ। वो देखो आया माँ। हाय बरेली के बाजार में झुमका गिरा रे,
हाय झुमका गिरा झुमका गिरा हाय 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 झुमका गिरा रे। क्या हुआ मुनिया? आया माने छोटा अंकल। हाँ हाँ, अरे मारो गोली आया माँ को। हम अपनी मुनिया को अपने हाथ से खाना खिलाएंगे। हमें तुम क्या पटर पटर देख रहे हो? बंद करो ये मनुष्य आके। हाँ ये लो लो, हमारी मुन्नी खाना खाएगी हमारे हाथ। अरे लो लो, खाती है कि नहीं? अरे बाबा तेरी खातिर हम आया बने, गाना गाया, मगर मेम साहब का नखरा तो देखो। चुप करो मुनिया, चुप करो। रहा ना जानवर का जानवर, बच्चों से भी बात करने की तमीज नहीं है। हम खैर रुला दिया हमारी मुनिया को, मारू इसको, मारू मोटा अंकल को भी मारू। लंबा चला चलो चलो, देखो कितना मारा। बात 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 बात, लो खाओ 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 खाओ। काम्प्री ये सोच सोच के, उठेगी तो क्या होगा? होगा क्या? आंखें खुलेगी तो पेट में चूहे दौड़ते होंगे, और उस वक्त एक ही चीज मांगेगी, खाना। और जब खाना देखेगी तो कहेगी आया मां, फिर क्या होगा? शायद गोविंद भी यही सोच रहा। अरे मैं तो कुछ और ही सोच रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि जब हमारी मुनिया बड़ी हो जाएगी तब हम इसे क्या बनाएंगे? डॉक्टर बनाएंगे। डॉक्टर नहीं समझे ना? अरे जब हम अपने काम पर जाते हैं तो तलवारों के छांव में जाते हैं, हर जगह मुकाबला हो जाता है, कहीं बंदूक से कहीं पिस्तौल से। अगर इत्तेफाक से हमें गोली लग गई तो हमारी मुनिया हमारे जिस्म से गोली निकालेगी, हमारे जख्मों की साफ सफाई करेगी, मरहम लगाएगी और उस पर पट्टी बांधेगी, समझे? पागल हो गया है गोविंद? हम अपनी मुनिया को इंजीनियर बनाएंगे। इंजीनियर? हाँ, जब हमारी मुनिया इंजीनियर बन जाएगी हमारे लिए एक ऐसी मजबूत जगह बनाएगी जिसकी दीवारों से पुलिस की गोलियां टकराए तो पलट जाए, और जिसकी छत पर बम भी गिरे तो हमें आंच ना आए। नहीं नहीं, ना डॉक्टर ना इंजीनियर, मैं तो अपनी मुनिया को वकील बनाऊंगा। वकील? हाँ, ये वकील बनेगी तो हमारा मुकदमा लड़ेगी, दुनिया को बताएगी कि जब हमने माँ की कोख से जन्म लिया तब हम डाकू लुटेरे या खूनी नहीं थे। शराफत की जिंदगी बसर कर सकते थे लेकिन हमें मौका ही नहीं दिया गया। हमने रोटी जैसी मामूली चीज मांगी तो लोगों ने पत्थर उठाकर हमारे मुंह में ठोंस दिए। यह हाथ हल भी चला सकते थे, कारखानों में मशीनें भी, दफ्तरों और कचहरियों में कलम भी, लेकिन इन हाथों को पिस्तौलें बंदूकें और तलवारें उठानी पड़ी। क्यों? ये बात मुनिया सारी दुनिया को बताएगी। वो मुकदमे तो बाद में लड़े जाएंगे, पहले ये बताओ कि इस मुकदमे का क्या होगा। हाँ, आया माँ लानी ही पड़ेगी। नाम क्या है तुम्हारा? गौरी। काम कहाँ करती? प्रभाकर जी के घर। क्या काम करती हो? उनकी बेटी है दिलमा। उसकी माँ बनने की कोशिश कर रही थी? जी नहीं, मैं सिर्फ उसकी आया हूँ। सिर्फ आया? जिस रात ये डाका पड़ा और प्रभाकर का खून हुआ उस रात तुम कहाँ थे? मेरी माँ की आंखें नहीं, घर से खबर आई वो फिसल के गिर गई, मैं उसे देखने चली गई। जिस रात ये वारदात होती है उसी रात तुम्हारी माँ फिसलती है, उसके एक दिन पहले नहीं, उसके एक दिन बाद नहीं? इसमें मेरा क्या कसूर है? तो मैंने कब कहा कि तुम्हारा कसूर? तुम्हारे ख्याल में प्रभाकर की क्या उम्र होगी? कोई 30-32 पर। वो जवान था? खूबसूरत? जी। दौलतमंद भी? जी। तुम्हारी क्या उम्र होगी?
तुमने अभी तक शादी नहीं की? क्यों नहीं की? मेरी हालात वैसे। तुम्हारे हालात वैसे होते तो तुम शादी करती या नहीं? मान लो प्रभाकर जैसा अमीर खूबसूरत जवामर्द तुमसे शादी करने के लिए तैयार होता तो तुम्हें इनकार होता? कहां प्रभाकर, कहां मैं? शादी का सवाल ही कहां पैदा होता है? देखो, सवाल पूछने का काम मेरा है, तुम सिर्फ सवाल का जवाब दो। तुम्हें मालूम था प्रभाकर हर रात विस्की की एक नई बोतल खोलता था और हर रोज एक नई लड़की लाता था अपनी रातों को दिलचस्प बनाने के लिए। बोलो, ये सच है या नहीं? तुमने प्रभाकर के इस चलन पे कभी एतराज नहीं किया? मैं कौन होती थी उनके चलन पे एतराज करने वाली? मैं उनकी पत्नी नहीं थी। लेकिन तुम पत्नी बनना चाहती थी, यही सोचकर तुमने उनके घर में नौकरी की। ये झूठ है। ये सच है। उस वक्त उनकी पत्नी जिंदा थी। लेकिन वो हमेशा बीमार रहती थी, डॉक्टर साफ कहते थे जब वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगी। उस बेचारी ने तो मरते वक्त अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में दिया और कहा, आज से तुम्हें इसकी माँ हो। लेकिन तुम माँ बन ना सकी। प्रभाकर ने हमेशा तुम्हें अपनी बेटी की आया माना। चल गई, कट गई, औरत का गरूर मसला गया लेकिन मरा नहीं। ये तुमने बदला लेना चाहा। नहीं नहीं नहीं। बेचारा प्रभाकर क्या जानता कि उसकी बेटी की आया जिसे उसने अच्छी तरह कभी देखा भी नहीं कैसे ख्वाब देख रही? उसे क्या मालूम था कि वह उन ख्वाबों के लिए कुछ भी कर सकती है, यहां तक कि खून भी। मैंने खून नहीं किया। हाँ, खून तुमने नहीं किया, खून दूसरे लोगों ने किया है, टाका दूसरे लोगों ने डाला है। तुम सिर्फ वक्त पर गायब हो गए, वक्त जो पहले से तय हो चुका था तुम में और तुम्हारे साथियों में। तुम्हें प्रभाकर का रुपया चाहिए था और तुम्हें अपना बदला। औरत अपने बदले के लिए क्या कुछ नहीं कर सकती। इंस्पेक्टर, तुम्हें क्या मालूम है औरत क्या होती है, बच्चा क्या होता है, बच्चे का प्यार क्या होता है? तुमने सिर्फ जिंदगी में चोर जेब खतरे और अठाई गिरे ही देखे। तुमने औरतें भी देखी तो सिर्फ वो जो रास्ते की गर्द है, शहर का कूड़ा। चलो, तुमने इतना कूड़ा देखा है इंस्पेक्टर कि तुम्हारे सामने खुद सीता माँ भी आ जाए तो तुम उसे भी नहीं पहचान सकोगे। मैं उसे सीता कैसे मान सकता हूँ जो खून की सदागरी में रिश्तेदार हो सकती है, जो बेगुनाह प्रभाकर उसकी नाचने वाली दोस्त उसकी मासूम बच्ची का खून कर सकती है, ये करवा सकती है? सीता का खून कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। वो जहां भी है जिंदा है। इसका मतलब ये है कि तुम्हें मालूम है कि गीता जिंदा है? गीता कहाँ है? मैं पूछता हूँ, गीता कहाँ है? मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम। तुम्हें मालूम है लेकिन तुम बताना नहीं चाहती, और जब तक तुम बताओगी नहीं तुम्हें यही रहना होगा। हवलदार, ले जाओ इसे। प्रभाकर के खून के लिए आया घे गिरफ्तार, पुलिस बाकी खूनियों की तलाश में है। चौबे जी, देखिए, अरे इधर देखिए, इसे देखिए। प्रभाकर के खून के लिए आया गिरफ्तार, पुलिस बाकी खूनियों की तलाश में। अरे दुबे जी, प्रभाकर की बेटी का अभी तक कोई पता नहीं। इसका मतलब ये है कि प्रभाकर की जायदाद के मालिक हम दोनों, अब हमारे सिवा उसका कोई रिश्तेदार भी तो नहीं। अरे दुबे जी, ये आप क्या सोच रहे हैं? अच्छा चौबे जी, मैं सोच रहा हूँ उसी आया के बारे में। ये आया वही है ना, अपने होरी की छोरी गौरी। हाँ, उसने खून किया। ये सब झूठ है, झूठ है। अखबार में लिखा है साधु महाराज। अखबार में लिखी हुई हर बात सच्ची नहीं होती। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि ये खून उस बेचारी आया ने नहीं किया। तो फिर खून किसने किया, तुमने? हाँ, मैं खून कर सकता हूँ, तुम कर सकते हो, कोई भी कर सकता है, लेकिन घर की आया नहीं कर सकती। तुम जानते हो उस आया को? अगर मैं नहीं जानता तो तुम भी तो नहीं जानते।
सुना चुचित चौबे जी, हम गौरी को नहीं जानते। अरे हम तो उसके सारे खानदान को जानते हैं। मैं नहीं मानता, वो शहर की रहने वाली, तुम दोनों गांव के गंवार, तुम उसको कैसे जान सकते हो? अरे हम नहीं जानेंगे तो कौन जानेगा? गौरी का बाप तो बचपन में ही मर गया, माँ को माता निकली और उसकी दोनों आंखें जाती रही। रहेगा पीछे उसका मामा शंकर, वो न जाने बचपन में घर से भागकर कहाँ चला गया। बस इतना मालूम है तुम्हें तो क्या मालूम है, ये सब तो अखबार में लिखा है। लेकिन अखबार में ये तो नहीं लिखा ना कि गौरी अपनी अंधी माँ के साथ शहर में कहाँ रहती है, वो हमें मालूम है। तुम्हें मालूम है? वो तो सबको मालूम है, वो रहती है छत्रपति रोड नंबर 26। छत्रपति रोड नंबर 26, अरे वो तो रहती है नंबर 13 रेलवे रोड। हाँ रेलवे रोड नंबर 13। दीदी मैं हूँ तुम्हारा भाई शंकर। शंकर? मेरा भाई शंकर? शंकर 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 भैया भैया कहाँ हो तुम? मेरे पास तो आओ जरा। दीदी भैया कहाँ चले गए थे तुम? मेरी किस्मत तो देखो, भाई इतने सालों के बाद घर वापस आया है और बहन उसे देख भी नहीं सकती। मेरी अच्छी दीदी तुम्हें क्या मालूम शंकर, तुम्हारे जाने के बाद कैसे कैसे बिजलियां टूटी है इस घर पर। तुम तो घर से गए, तुम्हारे जीजाजी दुनिया से ही चले गए और अब तो जो पहाड़ टूटा है मुझसे, मेरी जान ही निकल गई। मेरी गौरी को पुलिस पकड़ के ले गई खून के इल्जाम में। भगवान ने जब मेरी आंखें ली और सुहाग को छीना, उस वक्त जान भी ले लेता तो कितना अच्छा होता। रो मत दीदी, रो मत, अपने दिल को और ना दुखाओ, मुझे रास्ते में सब मालूम हो गया। सच पूछो तो मैं गौरी के लिए यहाँ आया हूँ, तुम मेरे साथ चलो, हम लोग पुलिस स्टेशन जाएंगे और गौरी को छुड़ा लाएंगे। चौबे जी अंदर जाने से पहले ये सोच लो कि थाने में कभी हमारे बाप दादा भी नहीं आए थे। बाप दादा को ऐसा मौका कहाँ मिला था लटपट बनने का। ए, चलो अंदर अंदर। हाँ हाँ अंदर सब लड़े जाओ। थाने साहब लाते चौबे जी। ये क्यों रहे तुम लोग? सरकार अगर दुनिया में कोई इंसाफ है तो प्रभाकर की जायदाद हम दोनों को मिलनी ही चाहिए। कौन तुम लोग? जी प्रभाकर हमारे चाचा के ससुर के भांजे का बेटा था और मेरी माँ की मौसी के दामाद का नवासा था। अरे दुबे जी आप तो थाने से खामखा डर रहे थे, ये थानेदार साहब तो अपने ही निकले, वो अपने गांव के सूबेदार साहब के बेटे। तो आप ही हैं हमारे गांव के मशहूर दुबे जी और चौबे जी। जी, जी, सर मुलजिमा गौरी को उसकी अंधी माँ और मामा छुड़ाने के लिए आए। आया तो मामा वही जो 15 साल पहले घर से भाग गया था। क्या तुम दोनों उसे जानते हो? मैं हम नहीं जानते तो कौन जानता, वो हमारे गाँव में पड़ा है, हमारे साथ खेला है। गुलिया गुलिया जी मैं उसे इतना मारता था, इतना अरे चोर अपने आप को बहुत चालाक समझता है, वो पकड़ लिया ना। बड़ा बदमाश है ये। क्यों बे रेलगाड़ी में हमको चकमा दे के निकल गया? दुबे जी ये समझता है कि हम इसे पहचानेंगे नहीं। अजी गौरी के मामा को हम नहीं पहचानेंगे तो और कौन पहचानेगा? शंकर ये कौन बात कर रहा है? दीदी ये लोग हैं ये अब गौरी की माँ, मैं हूँ तुम्हारा गांव का पड़ोसी हरि बच्चन दुबे। और मैं हूँ श्री कृष्ण दुबे। देख लिया दुबे जी चौबे जी हम क्या थे, क्या से क्या हो गए? आप ही बताइए पुलिस वालों को, मेरी गौरी कभी ऐसा काम कर सकती है? कभी नहीं कभी नहीं कर सकती। अच्छी बात है। 50-50। यस सर। जाने दो गौरी को।
ठहरो, इतनी बात याद रहे कि जब भी हमें गौरी की जरूरत पड़ी तुम्हें उसे थाने में पेश करना होगा, समझे? सुनो, इसकी जिम्मेदारी तुम दोनों पर भी होगी। का मतलब समझते हो दुबे जी, चौबे जी? अगर गौरी कल भाग गई और उसका मामा झूठा निकला तो पुलिस तुम दोनों को पकड़ेगी। झूठ और सच हम क्या जाने सूबेदार साहब के बेटे थानेदार साहब, हमने तो मामा को देखा था बस बचपन में। ये मूछ दाढ़ी वाला मामा तो आप ही ने दिखाया माए बाप। शनाख्त तुम दोनों ने की है, इससे तुम्हें इसी शहर में रहना होगा जब तक ये केस कचहरी में नहीं पहुंच जाता, समझे? देख लिया चोबे जी, कहा था कि थाने मत चलो, आए थे जायदाद लेने और मुसीबत गले पड़ गई ना। चलो सब इंस्पेक्टर सेठी। तुमने उस आदमी को गौर से देखा जो अभी गौरी को छुड़ाने आया था? दो सर। वो तीन डाकुओं में से एक। फिर आपने उसे छोड़ा क्यों? मैंने जानबूझकर जुआ खेला है, एक को छोड़ा है ताकि तीनों को साथ पकड़ सकूं। सब इंस्पेक्टर सेठी, तुम्हें उसका पीछा करना होगा 50-50 के साथ, भेष बदल कर। जल्दी जाओ। थैंक यू सर। टैक्सी। बहन, तुम टैक्सी में बैठकर घर जाओ, मैं गौरी को एक बहुत बड़े वकील के पास ले जाना चाहता हूँ। भैया, वकील के पास बाद में चले जाना, पहले घर चलो, खाना वाना खाओ। नहीं बहन, गौरी पर इतना संगीन इल्जाम लगाया गया है कि हमें जल्द से जल्द किसी बड़े वकील से मिलना चाहिए, और जो शहर का सबसे बड़ा वकील है वो एक खून का मुकदमा लड़ने दूसरे शहर गया हुआ है, हमें फौरन उसके पास पहुंच जाना चाहिए। ये लो बहन। शंकर, ये क्या? ये रुपए रख लो, घर के खर्च के काम आएंगे। आओ बैठ, आओ। लेकिन शंकर, जल्दी आना। हाँ, हम जल्दी आ जाएंगे, बैठ। गरम सिंघाना, गरम सिंघाना भाई, गरम सिंघाना, गरम गरम सिंघाना, मामा,
तुमने घर बार छोड़ा बस ये बनने के लिए डाकू? मैं मामा नहीं हूं तुम्हारा, ना ही तुम मेरी कुछ लगती हो। आया माँ, ये मेरे अंकल हैं, मुझे अंकल, मोटा अंकल, छोटा अंकल, बड़े अच्छे हैं। गीता, कारी, हम गीता के लिए तुम्हें यहाँ लाए, सबसे पहले खाना खिलाओ हमारी मुनिया को। जाओ, जाओ। और पहनने के लिए कपड़े लत्ते की जरूरत हो तो बहुत पड़े, ट्रंक भरे पड़े हैं। डाकू अब तक पकड़े नहीं गए। सुधाकर मरहूम की बेटी इस वक्त तक लापता है। गौरी को डाकू थाने से छुड़ा कर ले गया और तुमने जाने दिया। डॉक्टर अहमद, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे कंधे पर ये सितारे लगे रहे और कमर में ये पेटी बंधी रहे तो ढूंढो वो कहां है। पहले गाना फिर खाना। इस वक्त नहीं बिटिया, यहाँ मन नहीं होता। तुम गाओगी नहीं, मैं खाऊंगी नहीं। अच्छा। Thank you.
वो दोनों इस पुल से कूदे और कहीं गायब हो गए। पुल के दोनों तरफ मीलों तक जंगल ही जंगल है। मैंने जंजीर खींच के गाड़ी रोकी लेकिन तब तक वो नदी में से निकल के जंगल में गुम हो गए। जंगल के पास ही तो वो पुराना किला है ना? यस सर, मैं किले में भी गया लेकिन वहां तो ऐसा लगता है सैकड़ों बरस से किसी इंसान ने कदम नहीं रखा। कदमों के निशान नहीं थे लेकिन मैं कहां छोड़ने वाला था। आखिर मैंने उसको ढूंढ निकाला और साए की तरह आहिस्ता आहिस्ता वो किले की दीवार पर चढ़ा। मैं भी चढ़ा गिलेरी की तरह। उसने छलांग लगाई, मैंने भी छलांग लगाई बंदर की तरह। फिर उसने मुझे ललकारा, जय बजरंग बली की, मैंने भी उसे ललकारा। फिर हम दोनों गुस्सा गुस्सा हो गए। फिर बड़ा मजा आया, कभी मैं नीचे तो वो ऊपर और कभी वो नीचे तो मैं ऊपर। लेकिन मैं कहां छोड़ने वाला था, मैंने उसे चित कर दिया और हाथ रस्सी से बांध दी। अब दूसरे दो मुझ पर लगे लेकिन मैं दोनों से दुगना निकला। एक मिनट में जकड़ कर रख दिया हथकड़ियों में है? और फिर तीनों को घसीट घसीट कर मैं ले जा रहा था, घसीट घसीट कर घसीट घसीट कर। इतने में क्या हुआ? ऊपर से डंडा पड़ा मेरे सर पे। किसने मारा? अरे उसी ने यारो, मेरी बीवी ने। वो तो कहीं भी मेरा पीछा नहीं छोड़ती, देखो ना ख्वाब में भी चली आई। नहीं नहीं ख्वाब में? 50-50। यस सर, यस सर। तुम्हारे ख्वाबों की बीमारी अगर इसी तरह चलती रही तो याद रखो कि तुम कभी पुलिस स्टेशन में हेड कांस्टेबल थे, ये भी तुम्हारा ख्वाब हो जाएगा, समझे? यस सर, यस सर। मेरे पास गीता को अपनी बेटी की तरह पालना, अच्छी तरह लिखाना पढ़ाना, संभाल के रखना मेरी जान, मेरी अमानत। कसम क्या आवाज आई है? अरे सिर्फ आवाज, उससे भी बहुत ज्यादा, ये तो सर से पांव तक कमाल है। गोरी गाना सुनाओ गोरी। आया माँ के तरह से नहीं, जरा मटक के। Yeah?
Hey!
क्या देख रहे हो? कुछ नहीं। मैं कुछ नहीं। नहीं नहीं, तुम तो बहुत कुछ हो, लेकिन लेकिन क्या? ये बहुत खूबसूरत है। मेरा मतलब है साड़ी। बेशक झुक के देखो, इसमें अंगारी नहीं भरी कि तुम्हारे हाथ जल जाएंगे। ये उसने मुझे दी है। किसने? कोई ने? नजीर ने? उसे क्या मालूम कि हुस्न क्या होता है, जवानी क्या होती है। तुम्हें मालूम है? हाँ, इसीलिए तो मैं तुम्हें इससे बहुत ज्यादा खूबसूरत ड्रेस देना चाहता हूँ, बहनों की। मुझे तो तुम्हारा ही इंतजार था, लेकिन मैं क्या करती, वो आ गया, उसने जोर दिया, मैं मान गई। वो तो गधा है। तुम यहीं ठहरो, चले नहीं जाना, मैं भी आता हूं। ये लो, देखो कितना खूबसूरत है, इसे पहनकर वहां आ जाना। वहां? वहाँ जल्दी आना। इंतजार कर रही थी? सच? इंतजार तो तुम्हारा कर रही थी, लेकिन पहले वो चला आया। कौन? गोविंद? जोसफ? तो तुमने उस पर भी कंकरी फेंकी थी? हाँ, नहीं नहीं, फेंकी तो तुम पर थी, लेकिन वो चला आया। फिर? पहले तो मीठी मीठी बातें की और फिर जबरदस्ती। जबरदस्ती? क्या किया उसने? ये पहनने के लिए दिया। ये? बुद्धू को क्या मालूम कि हीरे को मखमल में लपेटते हैं या टाट में। मैं तुम्हारे लिए एक उंदा सा गरारा और कुर्ता लेकर आता हूं। ये लो, ये पहनो। नहीं नहीं, उसको बुरा लगा तो? किसको? उस गधे को? अरे, उसने भी तुम्हारे बारे में यही कहा था। क्या? गधा। गधा? जोसफ की ये मजाल, अब चूंटी के भी पर निकल आए। चूंटी? अरे, वो तो खूब लंबा चौड़ा मजबूत आदमी है जी। मैं भी जाकर उसकी मजबूती निकालता हूँ। कहाँ है वो? ऊपर मेरा इंतजार कर रहा है। उसने कहा मैं नहीं आऊंगी तो मुझे जान से मार डालेगा। तुम यही ठहरो, मैं अभी जाकर देखता हूँ। हाँ। Thank you.
क्यों बाहर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा क्या? नहीं नहीं तो मैं कहाँ बाहर जा रही हूँ, मैं तो तुम्हें ढूंढने के लिए आई हूँ। मुझे ढूंढने? क्यों क्यों जी, तुम इतनी ही बुद्धू हो क्या, इतनी छोटी सी बात भी नहीं समझती? आधी रात को एक जवान औरत एक जवान मर्द को क्यों ढूंढती है? ओ, ये बात है। मेरा दिल कांपता है, कोई देख लेगा तो? कौन? वो दोनों। मैं तो यहाँ आ रही थी तुम्हारे पास, लेकिन लेकिन क्या? लेकिन रास्ते में क्या हुआ? वो दोनों कहीं से आ गए। वो दोनों? एक साथ नहीं, बारी बारी, पहले एक आया फिर दूसरा। फिर उन्होंने जबरदस्ती जबरदस्ती मुझे यहाँ आने से रोका। अच्छा अच्छा, क्या उनकी जबान पे जो आया बकते चले गए तुम्हारे बारे में? तुमने जवाब में क्या कहा? मैंने बस इतना ही कहा, मुझे तो सिर्फ तुमसे, तुम जैसा कौन है उन दोनों में? कहाँ है वो दोनों? वहाँ आपस में फैसला कर रहे हैं। फैसला तो अब मैं करूँगा, आओ मेरे साथ। मैं? मुझे तो डर लगता है। मेरे होते हुए क्यों डरती हो आप? ये बता किसके लिए? किसके लिए? हाँ, ये औरत मुझसे मोहब्बत करती है, ये बगदा है, वो मुझसे प्यार करती है। लेकिन ये तो कहती है कि ये मुझसे मोहब्बत करती है। मुंह बंद करो और आंखें खोलो और देखो कि औरत का नशा कितना खतरनाक होता है। पहले हम तीनों सिर्फ कारोबार में हिस्सेदार थे, मुनिया ने आकर हिस्सेदारों को भाई बना दिया, और इस औरत ने भाइयों को दुश्मन। तुमने क्या सोचा था कि तुम झूठी मोहब्बत दिखाकर हम भाइयों में फूट डाल सकती हो? जाओ अपना मुंह काला करो और सुनो। ये तुम्हारी पहली भूल थी, इसलिए माफ किया, फिर कभी हमारे साथ ऐसा खेल खेलने की कोशिश ना करना। जाओ। ये क्या, तुम दोनों अभी तक तीर तलवार बने खड़े हो? जाओ। डाकू अब तक लापता है गणपति बाबा, और इनाम खजाने में अभी तक रखा हुआ है। आप राजस्थान जैसे रेगिस्तान में बाढ़ ला सकते हैं, तो क्या अपने भक्त अनंतराम के सामने तीन डाकू लाकर खड़े नहीं कर सकते प्रभु? आंखें बंद करो अनंतराम। कौन बोला, किधर से बोला? क्या भगवान, भगवान आप बोले? लीजिए मांग कर ली। प्रभु धन्य हो, धन्य हो प्रभु। तुम्हारा अंत किसने पाया, इसीलिए तुम्हें अनंत कहते हैं, और मेरे बाप ने मेरा नाम प्यार से अनंतराम रखा है। अरे ये क्या, मुझे भगवान ने भेजा है तुम्हें रास्ता दिखाने के लिए। इससे पहले भी तुम मेरी जेब में हाथ डाल चुके हो। मैंने? और नहीं तो किसने? वो राम होगा। राम? तो फिर तुम कौन हो? मैं लक्ष्मण, राम का भाई। राम तुमको बताने आया था कि तुमको इनाम मिलेगा, और मैं तुमको दिखाने आया हूँ कि इनाम कैसे मिलेगा। कैसे मिलेगा? वो देखो। ये तो भिखारी है। कितने हैं? तीन। डाकू कितने? तीन। ओ, डाकू। ठीक है ठीक है ठीक है, मेरा नोट, मेरा नोट। नोट को छोड़ो, डाकू को पकड़ो, 10,000 का इनाम है। ठीक है, रख लो रख लो। जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, मैं चश्मा लगा लूं। तुम्हारी ये नकली दाढ़ियां हेड कांस्टेबल अनंतराम को धोखा नहीं दे सकती। डाकू के बच्चे, तुम लाचारों से मजाक कर रहे हो हेड कांस्टेबल? अबे देखता नहीं डाकू पकड़ रहा हूँ? तो फिर जाकर डाकू को पकड़ो। क्या मतलब? तुम इस शहर में नए आए हो? ये तीनों बेचारे तो पिछले मोहल्ले में रहते हैं। ये गूंगा है, ये बहरा है, और ये अंधा। हाँ मैं नहीं जानता कि इन सबको, लेकिन मैं डाकू को दिखा देना चाहता हूँ कि पुलिस वाले सो नहीं रहे, समझे? चलो निकलो निकलो यहाँ से, जल्दी जल्दी चलो, निकलो निकलो निकलो। आप क्या मुझे, चलो जाओ, चलो हटो, चलो ओ सरदार जी जाओ, हट में, उठ उठ निकल, हटो। अब तुम बना घोड़ा। मैं घोड़ा तो चलता नहीं। अब मुनिया
ये घोड़ा बातों से नहीं लातों से चलता है। पेट बहुत नरम है इसलिए गाढ़ा दूध नहीं पी सकती। मैंने इसके दूध में सौंफ और पानी मिलाया था, आप लोग पीजिए ना, मैं इसके लिए दूसरा बना के लाती हूँ। अरे एक दिन सौंफ के बिना पी लेगी तो क्या हो जाएगा। लो मनिया। नहीं, इसे दूध हरगिज़ नहीं पीना चाहिए। तो फिर तुम पियो ये दूध। मैं तो कभी दूध पीती ही नहीं। लेकिन आज तो पीना होगा। नहीं। पियो। नजीर, मुनिया को ले जाओ। पियो। नहीं। पियो नहीं तो दांत तोड़ दूंगा। नहीं। तुमने जहर पिलाकर हमें मारना क्या? बहस क्या कर रहे हो? गोली छोड़ा दो इसे। गोली से जान तो फौरन निकलती है। हमसे जो धोखा करते हैं हम उनका ऐसा आसान इलाज नहीं करते। बताऊं तुम्हें हम क्या करते हैं? जब आज फिर तुम्हें माफ किया, दुआएं दो हमारी मुनिया को जिसकी खातिर तुम्हारी जान बच गई। जा, जा। थैंक गॉड, अखबार में आज भी डाके और खून की कोई खबर नहीं है। सर अब होगी भी नहीं। क्यों? पूरे शहर की हर सड़क की कड़ी निगरानी कर रही है, हर चौराहे पे धरे लगा दिए गए। डाकू तुम्हारे पैरों से डर गए हैं ये तुम मान सकते हो, मैं नहीं। जिस तरह तूफान के शुरू होने से पहले चारों तरफ अजीब खामोशी सी छा जाती है, ये वैसी ही खामोशी है। हो सकता है इस वक्त यहां जब तुम अपनी ही पेट थपथपा रहे हो वहां तुम्हारे दोस्त कोई दूसरा ही नक्शा तैयार कर रहे हो। को अपने पास क्यों ले आई? मुझे तो मालूम भी नहीं है वो कब आई, मगर मैं इतना जरूर जानती हूँ वो क्यों आई है। क्यों? पानी हमेशा ढलवान की तरफ क्यों बहता है? आसमानों पर उड़ने वाले पंछी पखेरू शाम पड़ते ही क्यों अपने घोंसले को लौटते हैं? तो हमें इतना ही कहना है तुमसे,
कि तुम आज ही घोंसले में आग लगा दो। तुमने अपने त्रियाचरित्र से हम दोस्तों में फूट डालने की कोशिश की, हमने तुम्हें माफ किया, तुमने जहर देकर हमें मार डालना चाहा, वो भी तुम्हें माफ किया, लेकिन हम ये हरगिज माफ नहीं करेंगे कि तुम हमारी मुनिया हमसे छीन लो। छीनता तो आदमी वो चीज है जो पराई हो, बिटिया तो है ही मेरी। है नहीं, थी, लेकिन हम चाहते हैं वो अब से हमारी हो जाए, सिर्फ हमारी। इसलिए तुम्हें मुनिया के दिल में अपने लिए नफरत पैदा करनी होगी। नहीं नहीं, ये नहीं होगा मुझसे। गीता ने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया, लेकिन वो मेरी गोद में पली, उसे किसी ने माँ का प्यार दिया है तो सिर्फ मैंने। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि उस प्यार का रुख बदल जाए, वो तुम्हें नहीं हमें प्यार करे। तुम चाहते हो सूरज पूरब से नहीं पश्चिम से निकले, नदी समंदर की तरफ नहीं पहाड़ की चोटी की तरफ जाए। तुम बंदूकों और तलवारों के जोर से सुहागनों के सुहाग उजाड़ सकते हो, मासूम नन्हे बच्चों को यतीम बना सकते हो, लेकिन एक नन्ही सी गुड़िया का प्यार नहीं खरीद सकते। हम तुम्हारी ज़बान काट सकते हैं जो कैंची की तरह चलती है, लेकिन कोई चीज अगर हमें रोकती है तो अपनी मुन्नी का ख्याल। और अगर मुन्नी का ख्याल न होता तो कब से तुम्हारा सर पूरब की तरफ पड़ा होता और घर पश्चिम की तरफ। मुन्नी मुन्नी मुन्नी, मुन्नी से इतना ही रिश्ता है ना तुम्हारा, तुमने खून किया उसके बाप का, उसे यतीम बनाया। एक रिश्ता है और भी, हम प्यार करते हैं मुनिया से। तुम्हारे जैसे खूनी क्या जाने प्यार क्या होता है, माँ क्या होती। माँ नहीं आया माँ कहो, जो प्यार करती है तो उसे तनख्वाह भी मिलती है। जैसे मंदिर में पुजारी होता है, वो ठाकुर को नहलाता भी है, पूजा भी करता है, लेकिन पेट की खातिर। हमारा रिश्ता पेट का नहीं दिल का है, हम अपने आंसुओं से ठाकुर के पैर धोते हैं। मुन्नी तुम्हारे लिए सिर्फ महीने भर का राशन, लेकिन हमारे लिए जैसे अंधेरे घर में रोशनी। और उस रोशनी के लिए तुम चाहते हो मैं अपने आप को जला डालूं। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि हमारी मुनिया तुमसे नफरत करने लगे, और उसके लिए जरूरी है कि पहले तुम उससे नफरत करो। मैं अपनी बिटिया से नफरत करूं? हाँ, तुम्हें अपनी जान की खातिर मुनिया को ठुकराना होगा। अगर वो तुम्हारे पास आए तो तुम उसे गले नहीं लगाओगी, उसे परे ढकेलोगी। वो तुम्हारे साथ खेलना चाहे तो तुम उसे झिड़कोगी, वो रोएगी तो तुम उसके आंसू नहीं पोछोगी बल्कि उसे और रुलाओगी, और उस वक्त तक रुलाओगी जब तक कि वो खुद न कह उठे कि आया माँ, चली जाओ, चली जाओ यहाँ से। नहीं, ये मुझसे नहीं होगा, ये जुल्म है, ये जुल्म है। और जुल्म तुम्हें करना पड़ेगा, तुम्हारा प्यार मरेगा नहीं तो हमारा प्यार जिएगा कैसे। चल यहाँ खड़ा हो जा, अब मेरे हाथ से बचकर कहाँ जाएगा राम। मैं राम नहीं हूँ, मुझे लक्ष्मण को भी पकड़ना है। मैं लक्ष्मण भी नहीं हूँ, मैं भरत हूँ। तू भरत है या कोई भी है, मैं तो पैसे लेकर ही छोड़ूंगा। कंधा छोड़ दे। अरे तू कंधे की बात करता है, मैं तुझे हवालात में बंद करवा दूंगा। हाँ, मैं तो पैसे लेकर आऊंगा। साहूकार है, दुकानदार है, कोई कर्जा दिया मुझे, उधार दिया, पैसे निकाल, पैसे लेकर छोड़ूंगा। मैं क्या, तुम कौन हो तो बात पूछा नहीं। अरे मैं कहता हूँ, क्या बात है भाइयों और बहनों, आपकी आंखों के सामने क्या हो रहा है आप लोग देख रहे हैं ना। एक पुलिस वाला कह रहा है कि मुझे पैसे दो नहीं तो थाने ले जाऊंगा। कह रहा हूँ और छाती ठोक ठोक कर कहूंगा कि पैसे लिए बगैर तुझे नहीं छोड़ूंगा, समझा। बड़ा दिलेर हो गया हेड कांस्टेबल, खुल्लम खुल्ला रिश्वत मांग रहा है। क्या कहा, रिश्वत? हाँ हाँ, रिश्वत। भाइयों, मैं रिश्वत क्या मांग रहा था, मैं तो जो अपने दिए हुए हैं। ये बयान थाने में भी दिया जाएगा और ये सब लोग मेरे साथ गवाही में जाएंगे। लेकिन थाने में जाने की क्या जरूरत है, तो फिर यही सेटल कर लेते हैं। सेटल, निकालो बात। Wow!
वाह रे पब्लिक, वाह! खुले रास्ते पर गरीब पुलिस वाले को चोर ने लूट लिया और पब्लिक। अपनी जान की खातर मुनिया को ठुकराना होगा। अगर वो तुम्हारे पास आए तो तुम उसे गले नहीं लगाओगी, उसे परे ढकेलोगी। वो तुम्हारे साथ खेलना चाहे तो तुम उसे छेड़ दो। रोएगी तो तुम उसके आंसू नहीं पोछोगी, बल्कि उसे और रुलाओगी। और उस वक्त तक रुलाओगी जब तक कि वो खुद न कह उठे कि आया मां, चली जाओ, चली जाओ यहां से। मुनिया, आया माँ गंदी है ना, तुम्हें उठाती नहीं। आओ मैं उठाता हूँ। अरे मुनिया, मुनिया मुन्नी, मत रो बेटा, मत रो। आया नहीं उठाती ना, मैं उठाऊंगा। आ जा। गौरी, मुन्नी को उठाओ। मेरे मुंह पर तमाचा मारो और चली जाओ यहां से। उठाओ मुन्नी को। मोटा अंकल, आया मां मारा? हाँ मुन्नी, आया मां ने कितनी जोर से तमाचा मारा। तुम्हारी आया मां गंदी है, चुड़ैल है। गंदी? चुड़ैल? बिटिया, हा हा हा, मेरा तो सारा दर्द चला गया। अब बताओ मुन्नी, तुम्हें क्या चाहिए? आज से आया मां का सारा काम तुम्हारे अंकल करेंगे। पहले नहलाना, फिर पाउडर लगाना, कंघी, बिंदिया, फ्रॉक, ठीक है ना? ठीक है। शाबाश मेरी मुन्नी, कोई नसीब। मुनिया की आएगी परात, रंगीली होगी। अरे हमारी मुनिया अब नहा चुकी है, पाउडर लगाएगी। ये दो अब मुन्नी के लिए जेवर आएंगे। क्यों? जल्दी जल्दी। ये है हमारी मुन्नी के कपड़े। मुनिया हिलो नहीं, हिलो नहीं मुनिया। अरे तू हट, हट, काजल लगाने दे। ये देख, काजल लगा रहा है ना? ठीक से तो लगा। अरे ठीक से तो लगा रहा हूँ, तू पहले आईना ला। चल, अरे एकदम फर्स्ट क्लास, अति सुंदर। बिल्कुल स्वर्ग की अप्सरा लगती है हमारी। अरे अप्सरा क्या, जन्नत की हूर लगती है। अरे मैं तो कहता हूँ स्वीट लिटिल एंजल, नन्हा फरिश्ता। गौरी, हमारी मुनिया को अच्छे अच्छे कपड़े पहनाओ और इसको अच्छी तरह कंघी करो और इसे सजा कर बिंदिया लगाओ। नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं कुछ नहीं कर सकती।
देखा मुनिया, तुम्हारी आयामा तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार नहीं। गंदी, चुड़ैल, डायन। गंदी, चुड़ैल, डायन। चलो हम अपनी मुनिया के कपड़े बदलेंगे। खाना खूब मिलाएंगे, मुन्नी को खिलाएंगे, मुन्नी खाना खाएगी, मोटी होती जाएगी। ये लो मुन्नी। अब मैं खिलाता हूँ अपनी मुन्नी को। मुनिया, अब हम आया माँ से कह दें कि वो चली जाए। हाँ। फिर तो हमारी मुनिया कभी नहीं कहेगी कि आया माँ चाहिए। कभी नहीं। सो जा मुनिया। अरे यार गोविंद, तू किस चक्कर में पड़ गया? मैं सोच रहा हूँ कि हमें जल्दी से जल्दी कुछ गौरी का फैसला कर देना चाहिए। गौरी का फैसला तो हम बहुत पहले कर सकते थे, जब उसने हमारे ऊपर मोहब्बत के डोरे डाले थे, या जब उसने हमको जहर देने की कोशिश की। कर तो सकते थे यार, लेकिन अपनी मुन्नी की वजह से नहीं कर सके। मुनिया अब उसकी नहीं रही, वो हमारी हो गई। तो फिर हटाओ, निकालो बाहर, कल ही भिजवा दो उसे। भिजवा दो और क्या। और तुम्हारा सर, आज गौरी को हमारे ठिकाने का पता लग गया है, कल सारी पुलिस को पता लग जाएगा। हाँ, ये तो तुम ठीक कहते हो। तो फिर तुम ही बताओ हम क्या करें। इस तरफ देखो, ये बत्ती रात भर जलती, जब इसका काम खत्म हो जाता है, इसका काम तमाम कर दिया जाता है। गौर, मैं तुम्हारे लिए खुशखबरी लाया हूं। हमने फैसला किया है तो मेरे यहां करते हैं। मुझे मालूम है, मैं तैयार हूं। हमसे अब तक कितने ही पाप हुए, कुछ जानबूझ के, कुछ जाने बिना। लेकिन ये अगर पाप है तो हम सोच समझ कर कर रहे हैं, अपनी मुनिया की खातिर। मुनिया की खातिर? हाँ, हम जानते हैं मुनिया से तुम्हारा कितना प्यार है। तुम भी जानती हो मुनिया से हमारा कितना प्यार है। दो प्यार आके आपस में बुरी तरह उलझ गए, टकरा गए, और इस बात को सुलझाने का एक ही तरीका रह गया था, तुम्हें और मुनिया को अलग कर दिया जाए, तुम्हें घर भेज दिया जाए। घर? और कहां? थोड़ी देर में नजीर आकर तुम्हें ले जाएगा। गौरी, तुमने मुनिया की जो सेवा की है, उसे जितना प्यार दिया है, उसकी कीमत हम कभी नहीं चुका सकते। तुम्हें माफ कर देना। जोसेफ, ये भी अल्लाह की शान है, मुन्नी ने हमें क्या से क्या बना दिया। अब तो किसी की जान लेते हुए नजीर, गौरी को नदी के किनारे ले जाना और बाद में उसकी लाश नदी के धारे में बहा देना। लेकिन गोविंद, अगर बाद में मुन्नी ने आया माँ कहा तो क्या होगा? अब नहीं कहेगी, मगर हो सकता है। कह दिया ना। मुनिया भूल चुकी है कि आया माँ कौन थी, क्या थी, कभी थी भी या नहीं। जाओ, गौरी तुम्हारा इंतजार कर रही है। मुनिया, मुनिया, नहीं, जोगा, गोविंद, क्या हुआ? आया का कहीं पता नहीं है। सब जगह ढूंढा। हाँ हाँ, कोना कोना खान मारा है। मुनिया भी गायब है। मुनिया दूर नहीं गए होंगे। चलो चलो।
इलाज भी किए, कोई फायदा नहीं हुआ। आखिर में डॉक्टर रामनाथ को बुलाया, पिटिया को दूसरा जीवन उन्होंने ही दिया। कहाँ रहता है वो? नंबर 3 राष्ट्रपति रोड। मैं अभी जाकर डॉक्टर को ले आता हूँ। लेकिन अगर वो न मिले तो? शहर में डॉक्टर का कार्ड नहीं पड़ा है, किसी दूसरे को ले आना। नहीं नहीं, मैं हाथ जोड़ती हूँ, जिस तरह भी हो डॉक्टर रामनाथ को ही लाओ। वही बिटिया की बीमारी समझते हैं, वही बिटिया को बचा सकते हैं। जाओ जल्दी जाओ। डॉक्टर रामनाथ का बंगला यही है जी। यहाँ क्या हो रहा है? उनकी बेटी की शादी, आईजी पुलिस के बेटे के साथ। नहीं नहीं, जिस तरह भी हो डॉक्टर रामनाथ को ही लाओ, वही बिटिया की बीमारी समझते हैं। डॉक्टर साहब, आप अभी मेरे साथ चलिए, मेरी बेटी बहुत बीमार है, अगर एक मिनट की भी देर हुई तो वो नहीं बचेगी। क्या हुआ? न जाने क्या हुआ, बेहोशी का ऐसा दौरा पड़ा है कि घंटों से आंख नहीं खुली बेचारी। मैं आपसे भीख मांगता हूँ डॉक्टर साहब, जल्दी चलिए, नहीं तो भगवान जाने क्या हो जाए। लेकिन भाई, इस वक्त मैं कैसे जा सकता हूँ? तुम देख ही रहे हो, यहाँ मेरी बेटी की शादी हो रही है। वहाँ मेरी बेटी की जान जा रही है डॉक्टर साहब। फिलहाल किसी दूसरे डॉक्टर को बुला लो, बाद में मैं भी आ जाऊंगा। नहीं डॉक्टर साहब, दूसरे सब डॉक्टर जवाब दे चुके हैं, सब यही कहते हैं कि सिर्फ आप ही बिटिया की जान बचा सकते हैं। अगर आप मेरे साथ नहीं चल तो मैं बिटिया को खो बैठूंगा डॉक्टर साहब, मैं आपकी बिटिया को खो बैठूंगा। मैं जानता हूँ डॉक्टर साहब, एक बाप का बेटी के ब्याह से उठकर जाना कितना मुश्किल, लेकिन अगर आप मेरे साथ नहीं चलेंगे तो मेरी बेटी इस दुनिया से उठ जाएगी डॉक्टर साहब। कन्यादान पुरस्सरम स्वरगुरुर विप्रासुषानुग्रहम। आप चलिए डॉक्टर साहब, मैं जिंदगी भर इस दुल्हन के सुहाग के लिए प्रार्थना करूंगा, जल्दी चलिए डॉक्टर साहब। मंगलम। अच्छा अच्छा रोने, चलो मैं चलता हूँ।
चंबू मेरा वो बैग ले आना। I'm sorry, मुझे जाना ही पड़ेगा। कोई बात नहीं, आप जाइए, मैं हूं यहाँ। हाँ पंडित जी। आइए आइए चलिए प्लीज। यही मालूम करने के लिए तो पुलिस भी हमारा पीछा कर रही है। लाई गई हूँ। उसको छोड़ो, पहले मुनिया को देखो। अफसोस से ये बच नहीं सकती। डॉक्टर आप कोशिश तो कीजिए। डॉक्टर साहब मैं इसको बचाने की कोशिश भी नहीं करूंगा। डॉक्टर साहब मुझे अब मालूम हुआ कि तुमने जानबूझकर इसी डॉक्टर का नाम क्यों दिया था। तुम दोनों मिले हुए हो। डॉक्टर साहब जिस तरह भी हो गीता को बचाइए। मैं बचा सकता हूँ लेकिन बचाऊंगा नहीं। तुम डॉक्टर होकर ये कह रहे हो मरीज की जान बचाना तुम्हारा फर्ज। मेरा ख्याल है गोविंद इन्हें रुपया चाहिए। रुपया तो हम तुम्हें इतना दे सकते हैं कि तुम जिंदगी भर गिन भी नहीं सकोगे। तुम दुनिया भर का रुपया ले आओ फिर भी मेरा फैसला बदल नहीं सकता। डॉक्टर हम एक दूसरा तरीका भी जानते हैं। तुम्हें मालूम नहीं कि इस एक जान के लिए कितनी जानें जाएंगी। सिर्फ तुम्हारी जान ही नहीं बल्कि तुम्हारी बेटी की जान भी जाएगी जिसके हाथों की मेहंदी अभी तक नहीं सूखी है और तुम्हारा दामाद भी पीछे नहीं रहेगा जिसके सेहरे के फूल अभी तक नहीं मुरझाए हैं। तुम्हारे खानदान का एक भी आदमी जिंदा नजर नहीं आएगा। तुम खानदान की बात कर रहे हो। तुम सारी दुनिया को जलाकर राख कर डालो फिर भी मेरा फैसला नहीं बदल सकोगे। हम बदल कर दिखाते हैं। बोलो हमारी मुन्ने का इलाज करते हो या नहीं? नहीं क्यों नहीं उसका मर जाना ही अच्छा है। Come on!
फिर कहोगे ऐसी मनहूस बात? एक बार नहीं हजार बार कहूंगा, उसका मर जाना ही है। हजार बार कहने के लिए तुम जिंदा भी नहीं रहोगे, समझे? ये क्या कर रही हो? डॉक्टर साहब को मार डालोगे तो गीता का क्या होगा? ये क्या पहली है डॉक्टर साहब? आप अपनी जान देने के लिए तैयार हैं, गीता की जान बचाना आपको मंजूर नहीं। गीता बच भी जाएगी तो क्या हो जाएगा? कल इनके साथ किसी बंदूक या पिस्तौल की गोली से मरेगी, वो मौत इससे अच्छी नहीं होगी। तुम्हें मालूम नहीं डॉक्टर, जब से मुनिया आई है हम लोग दरिंदों से इंसान बन गए। हम वायदा करते हैं मुनिया को बचा लो, हम कभी बंदूक और पिस्तौल को हाथ नहीं लगाएंगे। हम कसम खाते हैं डॉक्टर साहब, हमारे पास जितना चोरी का माल है सब वापस कर देंगे। सिर्फ चोरी का माल और क्या डॉक्टर? उन जानों का कोई हिसाब नहीं जो तुमने लिए हैं? उस खून का कोई हिसाब नहीं जो तुमने बहाया है? सुना नहीं तुमने? खून एक ना एक दिन जरूर अपनी कीमत मांगता है। पुलिस तुम्हारी ताक में है, कानून तुम्हारा पीछा कर रहा है, खुद तुम्हारे जुर्म तुम्हें ढूंढ रहे हैं। तुम सिर्फ तीन जाने कब तक देश की सरकार से लड़ सकते हो, कब तक बच सकते हो? हम मुनिया की खातर कुछ भी करने को तैयार है। तो ठीक है, हो गया फैसला, मैं तुम्हारी मुनिया को बचाऊंगा और तुम अपने आप को कानून के हवाले कर दोगे। नहीं डॉक्टर, हम अपनी मुनिया से जुदा नहीं रह सकते। तुम तो हमें पुलिस में भेज रहे हो, हम जन्नत में भी नहीं जाएंगे बगैर अपनी मुन्नी के। नहीं जाओगे तो समझ लो गीता आखिरी सांस ले रही है। नहीं डॉक्टर। तो फिर मेरी बात मान जाओ और अपने आप को इंसाफ के हवाले कर दो। हमारे देश की कचहरियां अंधी नहीं है, हमारे मुल्क के मुंसिफ बहरे नहीं है। मैं बड़ी से बड़ी अदालत में जाकर तुम्हारा मुकदमा लड़ूंगा और हर मुमकिन कोशिश करूंगा कि जिस तरह भी हो तुम्हें फांसी की सजा न मिले। मैं अदालत में पुकार पुकार कर कहूंगा कि खून का बदला खून एक जंगल का कानून है। इंसान अगर कुछ सीख सकता है तो सिर्फ अपनी जिंदगी में, मरने के बाद नहीं। जुर्म पेशा नहीं, एक बीमारी है और इस बीमारी का इलाज फांसी नहीं है। तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए, इस बच्ची की जिंदगी या मौत के साए में डरी हुई कांपती हुई चंद दिनों की मोहताज जिंदगी? बोलो तुम्हें क्या मंजूर है, जो भी फैसला करना हो जल्दी करो। बोलो, कह दो तुम्हें बिटिया की जान चाहिए। तुमने हाँ कहने में देर की तो शायद देर हो जाए। अच्छा डॉक्टर, हमें तुम्हारी शर्त मंजूर है। तो तुम तीनों इस बच्ची के सर पर हाथ रख कर वादा करो। तुम्हें से कोई फौरन जाकर ये दवाइयां ले आए। मुझे दीजिए। फिर क्या सोचा है तुमने? सर, कंपाउंडर ने बयान दिया है कि डॉक्टर रामनाथ अपने साथ कोई दवा नहीं ले गए। हमारा ख्याल है कि कभी ना कभी कोई ना कोई दवा खरीदने या बनवाने के लिए जरूर आएगा सर। यस। यही सोचकर हमने तमाम अस्पतालों, दवाखानों और केमिस्टों को चुकन्ना रहने की हिदायत दी है। सर, जब भी कोई डॉक्टर रामनाथ का लिखा हुआ नुस्खा लेकर आएगा जरूर पकड़ा जाएगा। ठीक है। कौन है भाई? माफ कीजिएगा, अरे देखूंगा तो माफ करूंगा ना, तूने मेरा चश्मा गिरा दिया। चश्मा? हाँ। ओह, अब डाकू भी सामने आएंगे तो नहीं पहचान सकूंगा। ये रहा आपका चश्मा। आदमी शरीफ मालूम होता है लेकिन धक्का बहुत जोर का था। मिस्टर जी, ये दवाइयां जरा मुझे जल्दी दे दीजिए। आप जरा एक मिनट तशरीफ रखिए। जा हुकुम जाए। यस सर। ये दवाइयां निकालो जरा जल्दी कीजिएगा प्लीज। बहुत अच्छा। Yes? मैं ढड्डांड कंपनी से बोल रहा हूँ, जिस दवा का आपने ऑर्डर किया था वो आ गई है हमारे पास। गुड, हम अभी वहाँ पहुँच रहे हैं। ये बहुत अच्छा। तो फोन कर रहा था पुलिस को। नहीं नहीं, नहीं, नहीं। Thank you.
हेलो हेलो कंट्रोल, हेलो कंट्रोल। हाँ ये रही दवाइयाँ। डॉक्टर अब तो हमारी मुनिया अच्छी हो जाएगी ना? जो मेरे बस में था मैंने कर दिया है, बाकी उसके हाथ। मालिक तेरा लाख लाख शुक्र। गीता मेरी बिटिया। अंकल किधर है? मुन्नी गीता अब अच्छी हो गई, इसे डॉक्टर या दवा की कोई जरूरत नहीं। डॉक्टर साहब हम जिंदगी भर आपका यह एहसान नहीं भूल सकते। हम जहां भी जाएंगे, जहां भी रहेंगे, आपके लिए प्रार्थना करेंगे। जाएंगे? तुम अपने वादे से पलट रहे? डॉक्टर साहब हम सिर्फ अपने वादे से पलट रहे हैं, लेकिन डाके और खून की जिंदगी से शराफत की जिंदगी की तरफ लौट रहे हैं। हम अपनी मुन्नी के सिवा और कुछ नहीं ले जा रहे हैं डॉक्टर साहब। लेकिन तुमने तो अपनी मुन्नी की सौगंध खाई थी। हमने सौगंध खाई थी मुन्नी के लिए, और अब मुन्नी के लिए ही हम जीना चाहते हैं। आपने खुद ही तो कहा था डॉक्टर साहब कि अगर इंसान कुछ सीख सकता है तो सिर्फ अपनी जिंदगी में। गौरी हम तुम्हारे लिए एहसान मंद, जितना प्यार तुमने हमारी मुनिया को दिया है वो हमेशा हमारे सर पर कर्ज रहेगा। बिटिया गीता मेरी बिटिया।
मालूम होता है फौज की फौज। फौज की फौज? आओ। मुनि, तुम थोड़ी देर के लिए यहां बैठो। डॉक्टर साहब, हमारी मुनिया का ख्याल रखना। हम लोग अभी आते हैं। जो अंधेरा गहरा कुआं है उसमें चलकर छुप जाए, वहां से हमें कोई नहीं ढूंढ सकेगा।
शादी नंबर वन रिपोर्ट है। हमने सारी जगह ढूंढ ली है, डाकू नहीं मिले। सर, सर्च पार्टी नंबर टू रिपोर्टिंग। डाकू का कुछ पता नहीं चला। सर, सर्च पार्टी नंबर थ्री रिपोर्टिंग। डाकू कहीं भी नहीं। क्या कहा सकते हैं, अच्छी तरह तलाश करो। वो आपको इस तरह नहीं मिलेंगे। किले में जमीन के नीचे कितनी अंधेरी और पेचदार सुरंगें हैं जो बाहर जाती हैं। वो चाहें तो आप यहां पहरा ही देते रहें और वो फरार हो जाएं। लेकिन वो फरार नहीं होंगे, मैं जानता हूं। क्यों? उस मासूम की खातिर। डॉक्टर साहब, मैं ये कैसे मान लूं कि इस नन्ही सी जान के लिए यह खूनी और डाकू अपनी जानें खतरे में डालेंगे? मैं मुजरिमों के बारे में आपसे ज्यादा जानता हूं। आप मुजरिमों को जानते हैं मगर इंसानों को नहीं। मैंने इन खूनियों को बहुत नजदीक से देखा है, इसलिए कह सकता हूं कि जो काम आपकी पूरी पुलिस और सैकड़ों बंदूकें नहीं कर सकती, वो मैं कर सकता हूं। मैं एक मिनट में इनको आपके हवाले कर सकता हूं, लेकिन एक शर्त पर। वो क्या? जब वो हथियार फेंक दें तो आप सिर्फ उन्हें गिरफ्तार करेंगे, निहत्तों पर गोली नहीं चलाएंगे। मुझे मंजूर है। और जब तक वो हवालात में रहेंगे, आप हर रोज उन्हें इस बच्ची से मिलने की इजाजत देंगे। इजाजत तो सिर्फ गवर्नमेंट दे सकती है, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। अच्छी बात है। हाँ, तो पुलिस को आप हुक्म दे दीजिए कि भूले से भी कोई गोली ना चलाए। जब तक मैं हुक्म ना दूं, कोई सिपाही या अफसर गोली ना चलाए। थैंक यू। मेरी बेटी, तुम्हें अपने अंकल चाहिए ना? मैं हैव द माइक प्लीज। थैंक यू। तो फिर इसमें बोलो, जोर जोर से बुलाओ उन्हें, वो दौड़ते हुए चले आएंगे। पहली बार मरती हुई मां इस बच्ची का हाथ तुम्हारे हाथ में दे गई थी। आज जेल जाते हुए तीन डाकू दे रहे हैं। ये जान है हमारी, इसे संभाल कर रखना। मुनिया, आया मां के पास जाओ। खुदा हाफिज़ मम्मी।